ठीक है, तो हम उसी पे डिस्कस करेंगे आज। क्वांटम यांत्रिकी। बहुत बार क्या होता है, बच्चे अच्छा खासा पढ़ के निकल जाते हैं, पर ये यांत्रिकी शब्द क्या है, प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी क्या है, चिर सम्मत यांत्रिकी क्या है, पूरा यूज करेंगे लेकिन ये मतलब नहीं समझते। तो देखिए, किसी भी पदार्थ के व्यवहार को जानने के लिए हम कुछ नियमों के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। भौतिक वस्तुएं जो हमारे आसपास हमको दिखाई देती हैं, एक गेंद की गति हो गई, एक कार की गति हो गई, इन इन व्यवहारों को, यानी पदार्थ या कणों के व्यवहारों को जानने के लिए हम जिन नियमों के समूह का पालन करते हैं, वो नियमों के समूह न्यूटन के गति के नियम से निकले हुए हैं, है ना। यानी मूल नियम आपको हमेशा क्या पढ़ना पड़ता है, न्यूटन का गति का नियम, फिर उससे रिलेटेड आप ढेर सारा गुरुत्वाकर्षण से लेके सारा चीज पढ़ते हैं, और आप इस आधार पे एक बड़ा सा एरिया बना लेते हैं फिजिक्स का और हमारे रसायन का, जिसमें आप ढेर सारे पदार्थों के सामान्य भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इस पूरे नियमों के समूह को कहा जाता है चिर सम्मत यांत्रिकी, यानी पुरानी अवधारणा। पुरानी अवधारणा ये कहती थी कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, संवेग होता है, दूसरा ऊर्जा या तरंगे जिनमें द्रव्यमान या संवेग नहीं होता है। पर जब परमाणु संरचना का अध्ययन शुरू हुआ, तो अध्ययन करते 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 एक ऐसी स्थिति आई जब ये प्रॉब्लम होने लगी, जहां ये भेद मिटने लगा, जहां पदार्थ में तरंग के गुण आने लगे, तरंग पदार्थ के गुण दर्शाने लगा, तब मामला गड़बड़ हुआ। और तब हमको ये लगा कि जितने नियम हमारे पास हैं, ये नियम बहुत छोटे कणों यानी परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके गुणों को सही तरीके से नहीं बता पा रहे। तो इनके गुणों की सफल व्याख्या करने के लिए फिर नए नियमों की व्युत्पत्ति हुई, नए नियम दिए गए, नए समीकरण दिए गए, उनको क्वांटम सिद्धांत या तरंग सिद्धांत या क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। यानी वो नया समूह हो गया। तो पुराने समूह में क्या था, पुराने जो यांत्रिकी थी उसमें तरंग अलग चीज है, ऊर्जा और तरंग एक तरफ, पदार्थ एक तरफ, दोनों अलग अलग है, क्लियर विभेद है उनमें। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी में ये भेद मिटा दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि बहुत सूक्ष्म कण तरंग की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं और तरंगें भी कण की भांति व्यवहार कर सकती हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा मार्जिन लिया गया है, तो ये थोड़ा ज्यादा बेहतर है, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब बारी आई कि सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है श्याम वस्तुओं से विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है भाई श्याम वस्तुओं से विकिरण? श्याम मतलब काला, ठीक है। तो काला बॉडी, अब देखो गर्मी का टाइम आ रहा है और आप में से ज्यादातर लोग जो बाइक, स्कूटी या इस तरह की चीजें यूज करते होंगे, वो क्या करेंगे, अपने सीट को अलग कलर से या गद्देदार चीज से या कपड़े नुमा चीज जिसका रंग काला ना हो उससे कवर करेंगे, क्योंकि अगर धूप में वो रह जाता है थोड़ी देर तो बहुत गर्म हो जाता है, जबकि दूसरे रंग की चीजें उतनी गर्म नहीं होती। तो श्याम यानी ब्लैक बॉडी किसको कहा गया, काला पदार्थ किसको कहा गया, वो पदार्थ जो सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है वो कहलाया
ब्लैक बॉडी या श्याम वस्तु। स्वाभाविक तौर पे जैसा कि हमारा पिछला ज्ञान है, जब भी कोई पदार्थ विकिरण या ऊर्जा को अवशोषित करता है उसमें उपस्थित अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन अपनी मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित होकर थोड़ा उच्च ऊर्जा वाले में आ जाते हैं और ये उच्च ऊर्जा स्थिति स्थायी नहीं होती। तो ये फिर जब वापस जाने का मौका मिलेगा तो उतनी ही ऊर्जा को ये क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और फिर से नीचे अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। तो ब्लैक बॉडी की खासियत क्या है? ब्लैक बॉडी यानी कि श्याम वस्तु की खासियत यह है कि अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो ये सभी विकिरणों का न केवल अवशोषण करेगी बल्कि सभी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन भी करेगी। अवशोषण करेगी तो स्वाभाविक है उत्सर्जन भी करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी श्याम वस्तु आपतित सभी विकिरणों का अवशोषण भी करती है और उत्तेजित होने के पश्चात सभी विकिरणों का उत्सर्जन भी करती है। यानी ये न केवल पूर्ण एब्जॉर्बर है बल्कि कंप्लीट रेडिएटर भी है। तो चलिए ठीक है, ये बात तो हो गई। अब अगर आप किसी काली वस्तु को ऊर्जा देते हैं, गर्म कर देते हैं, सपोज कीजिए, ऊर्जा देने का तो हमारे पास एक ही तरीका है, गर्म कर दो। गर्म कर देते हैं तो ये ढेर सारे विकिरणों को बाहर निकालता है, अलग अलग तरंगों की अलग अलग विकिरणों को बाहर निकालता है, यानी अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए विकिरणों का प्रयोग करता है और सिर्फ एक प्रकार की विकिरण उत्सर्जित नहीं करता। ये बहुत कम तरंग दैर्ध्य से बहुत अधिक तरंग दैर्ध्य तक की सभी विकिरणों का उत्सर्जन करता है, किंतु इसमें से एक तरंग दैर्ध्य ऐसा होता है जिस पर ये अपने विकिरणों का सर्वाधिक उत्सर्जन यानी अपनी ऊर्जा का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारा ये एक ग्राफ है, ये उत्सर्जित ऊर्जा को बताता है कि भाई किस तरंग दैर्ध्य पर हमारा ब्लैक बॉडी कितनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है और ये लैम्डा का मान है। तो हमने पाया कि अगर तापमान ज्यादा रहे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनाता है। आप नोटिस करें इस पॉइंट पे ये सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है और इससे संगत तरंग दैर्ध्य जो होगी इसको हम लेमडा मैक्स के नाम से जानते हैं। अब मान लो कि ये 700 केल्विन पे 7000 केल्विन पे कर रहा है, बहुत ज्यादा तापमान है। आपने तापमान को कम करके 4000 केल्विन कर दिया तो ग्राफ की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हो सकता है लेमडा मैक्स का मान भी क्या हो जाए, बदल जाए। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, तापमान के मान को कम करते जाएंगे लैम्डा मैक्स का मान भी बदलेगा और उत्सर्जित ऊर्जा का मान भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमारे पास कुछ बिंदु हैं श्याम वस्तुओं के विकिरण को समझने के लिए। श्याम वस्तुएं, श्याम वस्तु द्वारा किसी निश्चित तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा या तीव्रता एक समान नहीं होती। आप देखिए बहुत कम तरंग दैर्ध्य से बहुत अधिक तरंग दैर्ध्य तक, यहां तक के तरंग दैर्ध्य तक का सभी तरंगों का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहां पर इस बात को दर्शाया गया है विशेष रूप से कि किसी एक तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन किसी एक तरंग दैर्ध्य पे ये सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उसको हम कहेंगे लैम्डा मैक्स। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक चरित्र है, हम कहेंगे कि किस तापमान पर किसका उत्सर्जन करेगा। विभिन्न तापमानों पर इस प्रकार के भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। श्याम वस्तु द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा उस वस्तु के तापमान के अनुसार अलग अलग होगी। उच्च तापमान पर जो मैक्सिमा है लैम्डा मैक्स का मान ज्यादा साफ दिखेगा आपको, अच्छा ये है,
जैसे निम्न तापमान पे बताओ कहाँ पे है, तो बड़ी मुश्किल स्थिति होगी, ये वाला पॉइंट है कि ये वाला है कि ये है कि ये है, ठीक है ना। तो उच्च तापमान पर लेमडा मैक्स ज्यादा क्लियर हो जाता है और निम्न तापमान पर इसकी क्लियरिटी उतनी अधिक नहीं रहती है। तो ये आपने श्याम वस्तुओं से विकिरण को पढ़ा, कुछ खास नहीं, ये सभी पदार्थ के विकिरण को अवशोषित भी करता है, उत्सर्जित भी करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरा है प्लांक का विकिरण नियम। प्लांक ने क्या बताया भाई? तो मैक्स प्लैंक ने यह बताया कि वास्तव में जो विकिरण होती है, रेडिएशन होती है, वो ऊर्जा के रूप ऊर्जा ही है, लेकिन ऊर्जा का सतत क्रम ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, ठीक है ना। और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट जो होते हैं, इन छोटे छोटे पैकेट को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम या क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो अगर कोई तरंग आपकी कुछ इस तरीके से मान लो गति कर रही है, तो ये वास्तव में बहुत छोटे छोटे किससे बनी हुई है, ऊर्जा के असतत पैकेटों से बनी हुई है। इस तरीके से इसमें से हर एक पैकेट जो है ये कहलाता है क्वांटा या फोटॉन, और हर एक फोटॉन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है जो निर्भर करती है इस विकिरण की आवृत्ति पर। विकिरण ज्यादा आवृत्ति का होगा तो उसके क्वांटा में ज्यादा ऊर्जा होगी, विकिरण कम आवृत्ति का होगा तो उसके क्वांटा में कम ऊर्जा होगी। अब यहां उन्होंने बताया कि श्याम वस्तुओं के विकिरण को समझने के लिए एम प्लैंक ने 1900 में एक क्रांतिकारी सुझाव प्रस्तुत किया जिसे विकिरण नियम या प्लैंक का विकिरण परिकल्पना या हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। क्या है हाइपोथेसिस? पहला, श्याम वस्तु की ऊर्जा सतत या लगातार परिवर्तित नहीं होती, बल्कि वह निश्चित संख्या में क्वांटाओं से या क्वांटमों से बनी होती है। तो ऊर्जा उत्सर्जन या अवशोषण लगातार या सतत नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, ठीक। श्याम वस्तु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण निश्चित परिमाण वाले पैकेटों या बंडलों में असतत होता है। इन्हीं पैकेटों को हम क्वांटम या फोटॉन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक क्वांटा में ऊर्जा के निश्चित मात्रा, ऊर्जा की निश्चित मात्रा पाई जाती है, और ऊर्जा की यह मात्रा E, यानी मैं अगर लिखूं कि क्वांटम की ऊर्जा या फोटॉन की ऊर्जा E आवृत्ति के समानुपाती होती है, तो E इज इक्वल टू हो गया एच न्यू, जहां एच क्या है आपका, प्लांक नियतांक है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बारी आती है कि हम सभी ये जानते हैं कि उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले इन क्वांटमों की संख्या केवल पूर्णांक में होगी, यानी कोई भी पदार्थ अगर ऊर्जा का अवशोषण करता है तो ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, वो इन क्वांटम को ही लेगा। जैसे जब आप दुकान में जाते हैं और कोई सामान लेते हैं, सपोज कीजिए आज की डेट पे, तो आजकल आपको 12.5 रुपए किलो कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, यानी आप गिनती में क्या दे सकते हैं, उसको नोट दे सकते हैं। अगर आपके पास करेंसी क्या है, अलग अलग होती है ना, कि 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, फिर 10 का नोट है, 20 का नोट है, फिर 50 का नोट है। तो जब आप कोई सामान खरीदते हैं, सपोज कीजिए कि वो 5,000 रुपए का है, तो आप 100-100 के या तो क्या करेंगे, उसको 50 नोट देंगे, या 5-500 के 10 नोट देंगे, या इसी क्रम में देंगे। यानी जो भी लेन देन होगा,
मुद्रा के सरल गुणांक में होगा। दो नोट दिए, दो नोट लिए, एक सिक्का दिया। ऐसा कभी हुआ क्या कि आपने सामने वाले को दिया, भाई ये 5 रुपए पकड़ो। अरे भैया 5 रुपए नहीं है। अच्छा ठीक है, ला भाई घन और छेनी ला। आधा काट दिया उसने 5 रुपए का सिक्का, ये 2.5 रुपए वापस पकड़। ऐसा नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से कोई भी पदार्थ जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो वो क्वांटम की गिनती में करेगा। एक क्वांटम कर लेगा, दो करेगा, तीन करेगा, 10 करेगा, और जब उत्सर्जित करेगा तब भी वो पूर्णांक गिनती में ही करेगा। एक क्वांटम, दो क्वांटम, तीन क्वांटम, इस तरीके से करेगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है सी बटा लेमडा, जहां सी क्या है, प्रकाश का वेग है, और लेमडा तो आप सबको पता है तरंग दैर्ध्य है, इसलिए ई बराबर आप एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, श्याम वस्तु की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत का मतलब ही यही होता है कि जब भी ऊर्जा का लेन देन होगा वो ऊर्जा के क्वांटम के सरल गुणांक में होगा। एक क्वांटम देगा, एक क्वांटम लेगा, दो क्वांटम देगा, तीन क्वांटम देगा, पांच लेगा, पूर्णांक में लेन देन होता है, तो इसको कहते हैं ऊर्जा का क्वांटीकरण। अच्छा, अब आते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के ऊपर। तो ये दो पॉइंट्स आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो अब हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रभाव। अगर आप भटगांव कॉलेज की ओर जाएं तो आपको मेन रोड से जैसे ही आप गली वाले में घुसेंगे, पतली वाले में, वहां आपको खेत में दो जगह बड़े बड़े क्या लगे हुए मिलेंगे, सोलर पैनल लगे हुए मिलेंगे। इन सोलर पैनलों का काम होता है कि जब भी इसमें प्रकाश की विकिरण पड़ती है, ये इस प्रकाश की विकिरण को अवशोषित करके उससे बिजली बना देते हैं। ठीक है ना, और उसमें जो पंप लगा होता है वो जो चाहे आप चालू कर सकते हैं 2 हॉर्स पावर का। अब बारी आती है कि ये कैसे हुआ। देखो अच्छी तरह समझते हैं हम कि किसी भी धातु की सतह पर परमाणु पाए जाते हैं, ठीक बात है ना, और हर परमाणु के पास बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो जो सूरज के प्रकाश से विकिरण आ रही है उसमें भी ऊर्जा है। अगर आने वाली ऊर्जा यानी आपतित विकिरण की ऊर्जा हमारे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के आयनन ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा हो, तो जैसे ही क्वांटा यानी फोटॉन इससे टकराएगा वो इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। और इसी घटना को हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। यानी जब किसी धातु की सतह पर निश्चित ऊर्जा की विकिरणें आपतित की जाती हैं, निश्चित ऊर्जा की विकिरणों को उनके ऊपर डाला जाता है धातु की सतह पर, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस प्रभाव को, इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या सभी विकिरणों से ऊर्जा उत्सर्जित होगी, नहीं होगी। अगर आने वाले विकिरण की ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा, इसको यहां आयनन ऊर्जा न बोल के क्या बोल देते हैं हम, कार्य फलन बोल देते हैं। ऊर्जा जब तक इस कार्य फलन के बराबर नहीं होगी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब यह है कि सभी विकिरणें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकती। जब किसी विकिरण की आवृत्ति इतनी हो जाए कि वो हमारे धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर निकाल सके, इस आवृत्ति को हम नाम देते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति इसको न्यू जीरो से दर्शाया जाता है। तो देहली आवृत्ति का मतलब हुआ किसी विकिरण में या किसी विकिरण की वह आवृत्ति जिसके फोटोनों के पास सिर्फ इतनी ऊर्जा है कि वो इलेक्ट्रॉन को ठीक बाहर निकाल सके, बस और नहीं है ऊर्जा। जैसे आपने घर में एक पुस्तक खरीदने के लिए पैसे मांगे, घर से आपको कुछ पैसे दे दिए गए। अब आप दुकान में जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं कि तीन कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। कंडीशन नंबर वन, आप दुकानदार के पास गए, भैया केमिस्ट्री की किताब दे। उसने दिया, भी कितने की है, 350 रुपए की है। आपने अपने पास गिने, अरे यार हमारे पास तो 300 रुपए ही है। तो क्या आप उस पुस्तक को ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। यानी अगर ऊर्जा का मान आवश्यक मान या देहली ऊर्जा से कम हुआ, कार्य फलन से कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन या पुस्तक बाहर नहीं निकलेगी, मना कर देगा दुकानदार। दूसरी स्थिति, आपसे पूछा गया कि भाई आपने पूछा कितने की, उसने कहा 350 की। आपने सारा पर्स वर्स से झाड़ पूछ के देखा, एग्जैक्टली 350 रुपए है, 1 रुपए न कम है न ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि आप अपने सारे पैसे देंगे और पुस्तक लेके खड़े रहेंगे, अब क्या करूं, अब और कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी जितनी ऊर्जा थी वो सब खर्च हो गई किसमें, निकालने के लिए। ये कहलाई देहली आवृत्ति। अब हो सकता है कि उसने कहा 350 और आपके पास 500 रुपए है, आपने 350 दिया, 150 वापस मिल गए। अब आप इस 150 रुपए को लेके मार्केट में और इधर उधर जा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। तो ये जो है तीन परिस्थितियां हैं, यहां हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पहली स्थिति क्या है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति से संबंधित ऊर्जा E0, इसको हम कार्य फलन कहेंगे। ये बराबर होगा एच न्यू नॉट या एच सी अपॉन लेमडा नॉट, इक्वेशन वन। इक्वेशन टू, यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू ज्यादा है न्यू नॉट से, यानी ज्यादा ऊर्जा वाली स्थिति, भाई कम ऊर्जा है तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, खेल खत्म। ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि ई इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच एच सी अपॉन लैम्डा। अब इस ऊर्जा के, यानी यहां ई जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, कार्य फल। तो ऐसे में प्राप्त ऊर्जा के दो हिस्से हो जाएंगे, कौन कौन से हिस्से होंगे, कुल ऊर्जा दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तो कार्यफलन पुस्तक ले लिया आपने, और बची ऊर्जा गतिज ऊर्जा, आपकी गति बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी। तो E की जगह हम यहां E बराबर लिख सकते हैं E नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। E की जगह आप H न्यू लिख लीजिए तो बराबर हो जाएगा H न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। अक्षांतर कर दो तो हाफ
एमवी स्क्वायर अपनी जगह पे है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और आप इसको एच न्यू माइनस न्यू नॉट, या अगर आप लेमडा के टर्म में लिखना चाहें तो एच सी लिख लीजिए, वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। एमवी स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा के लिए ये आपके दो बड़े महत्वपूर्ण समीकरण हैं। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को आप इन दो समीकरणों से निकाल सकते हैं। कुछ खास बिंदुओं का ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर वन, जैसे ही विकिरण सतह से टकराता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने यानी विकिरण के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई अंतर नहीं होता, कोई टाइम लैप्स नहीं होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि विकिरण टकराया आप 15 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना, इंस्टेंट निकलता है। नंबर दो, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपतित विकिरण की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी, ठीक है। दूसरी चीज, इस बात को बार बार ध्यान रखना है कि देहली आवृत्ति क्या है। देहली ऊर्जा का अर्थ होता है ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो केवल इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकाल सके, बस। तो इतनी ऊर्जा रखने वाले विकिरण की आवृत्ति को हम कहेंगे देहली आवृत्ति। इससे ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गति कर पाएगा, इससे कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा। लास्ट पॉइंट, अगर विकिरण की ऊर्जा देहली आवृत्ति से कम है, विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट पॉइंट जो आपको जानना है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब मैं कितना भी ताकतवर ऊर्जा वाली विकिरण दे दूं, कितनी भी ऊर्जा वाली विकिरण दे दूं, एक विकिरण सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेगी। तो विकिरण की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, दो विकिरण होंगी तो दो निकलेगा, तीन होंगी तो तीन निकलेगा, इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ठीक। लास्ट टॉपिक छोटा सा है, एक और चर्चा कर लेते हैं अपन, ठोसों की ऊष्मा धारिता। ये पॉइंट आपका थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ऊष्मा धारिता ठोसों की खास तौर से है ना, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में भी, ऊष्मा धारिता का अर्थ होता है किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यक मात्रा। यानी अगर आपके पास एक लोहे का बर्तन है जिसका तापमान 25 डिग्री है, अब आप इसको गर्म करना चाहते हैं, तो गर्म करने का मतलब ताप बढ़ाना चाहते हैं, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी वो कहलाएगा ऊष्मा धारिता। तो ऊष्मा धारिता के दो मान सीपी सीवी लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, हम सी इक्वल्स टू अच्छी तरह समझ लें कि क्यू अपॉन क्या होता है, टी टू अप माइनस टी वन, यानी कि क्यू अपॉन डेल्टी। अब स्थिर आयतन पर जो है ये मान, क्योंकि ठोस का आयतन क्या होता है, स्थिर होता है, ये सीवी बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट
वी, ठीक है। और डी क्यू की जगह हम यहां क्या लिख सकते हैं, डी यू या डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब यहां तीन बातों को केवल समझना है, सुनना है, ध्यान रखना है, बस और कुछ खास नहीं। क्या? चिर सम्मत सिद्धांत के अनुसार आदर्श ठोस वह ठोस है जो एक ही जैसे परमाणु का बना होता है, यानी कि तत्व, जैसे लोहा, सोना, चांदी, शुद्ध पदार्थ। इनको हम क्या मानेंगे, आदर्श ठोस मानेंगे। ये परस्पर कोई क्रिया नहीं करते, किंतु इनमें लगातार कंपन होते रहता है। परम शून्य ताप पर कंपन अत्यंत मंद होता है। ये परमाणु सभी संभव दिशाओं में कंपन करते रहते हैं। प्रत्येक परमाणु के लिए तीन स्वतंत्र कंपन विधा होती है। ऐसा कंपन सरल आवर्ती दोलन माना जा सकता है। तो मान लीजिए कि आपके पास ढेर सारे परमाणु हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो हर परमाणु तीन तरह का कंपन कर सकता है, तीन प्रकार का कंपन। कौन कौन सा? एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर। और कोई सरल कंपन, सरल आवर्ती कंपन अगर होगा तो या तो एक्स अक्ष पर होगा, या तो वाई पर होगा, या तो जेड पर होगा, और कोई संभावना नहीं होती। तो तीन प्रकार के कंपन। अगर हमारे पास एन परमाणु है तो हर एक परमाणु कंपन करेगा, कुल कंपन कितना हो जाएगा फिर? थ्री एन, ठीक बात है, थ्री एन कंपन हो जाएगा। अब इसके बाद प्रत्येक कंपन विधा जो है उसमें कितना ऊर्जा होता है, प्रत्येक कंपन विधा में से ऊर्जा जो संलग्न होती है वो होती है के टी के बराबर। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी परम ताप है। तो कुल ऊर्जा कितनी हुई हमारी, कुल ऊर्जा हुई थ्री एन गुणा के टी, ठीक है ना, थ्री एन गुणा के टी। इसका मतलब ये कुल ऊर्जा ई के बराबर हो गई, ये वाला ई आंतरिक ऊर्जा, थ्री एन गुणा के टी। अब के जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये बराबर होता है आर बटा एन। एक मोल अगर ले लें तो ये हो जाएगा आपका थ्री एन गुणा आर बटा एन टी। तो एन और एन क्या हो गया, कट गया आपका, आपको क्या मिला, ई बराबर थ्री आर टी। टी को कांस्टेंट रखो, आप आर जानते हैं ना, आर है गैस नियतांक, और इसका मान अगर हम गणना करें कैलोरी में तो ये होता है आपका 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, जो कि लगभग बराबर है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल के। तो मैं आर का मान 2 रख दूं 1.99 की जगह, तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 2 × 2 t, यानी 6 t कैलोरी। तो यहां से एक बड़ी मजेदार चीज बाहर निकल के आई कि ठोस चाहे कोई सा भी हो, किसी निश्चित ताप पर उसके लिए जो ऊर्जा का मान होगा वो लगभग कितना होगा, इतना होगा। तो अब अगर मैं यहां पर ई का मान रखने बैठ जाऊं तो आप देखो ई का मान क्या निकलेगा आपका, सी वी इज इक्वल टू देखो, सी वी इज इक्वल टू शुरू से लिखते हैं, यहां सी
सीवी इज इक्वल टू डेल ई की जगह हम लिखेंगे 3 RT अपॉन डेल टी, ठीक है, टी डेल टी खत्म हो जाएगा तो सीवी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3 R, ठीक है। 3 R कितना होता है? लगभग 6 सीवी। ये कितने के लिए है? 1 मोल के लिए है, ठीक। तो अगर आपको अणु भार निकालना है पर मोल, ठीक, तो कैसे निकालेंगे आप? कैलोरी पर मोल। पर मोल का मतलब हुआ मोल को उधर भेज दो तो आपको मिल जाएगा सीवी गुणा मोल मीन्स परमाणु भार। एक परमाणु भार ग्राम में ले लिया जाए तो वो मोल के बराबर होता है, और ये कितना होगा? 6 कैलोरी। ये ड्यूलॉन्ग और पेटिट का नियम है। इस पे हम बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर इतने को अच्छी तरह समझ लीजिए कि उन्होंने अपने थ्योरी से ये एक्सप्लेन किया कि किसी भी पूर्ण ठोस, शुद्ध ठोस पदार्थ के लिए जो सीवी का मान है वो परमाणु भार से गुणा होने पर कितना आना चाहिए? 6 कैलोरी पर मोल आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए यहां तक। किसी को कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। कुछ पूछना है? अच्छा, सभी भटगांव वाले ही हैं इसमें? जवाब दें। अच्छा, आप कहाँ से हैं बेटा? अच्छा, आपके यहाँ क्लासेस शुरू नहीं हुई? अच्छा, तो वहां क्या चल रहा है? वहां कुछ और चल रहा है? अच्छा, भटगांव कॉलेज में कर रहा हूँ ना, तो भटगांव में तो मैं आऊंगा अभी बीच बीच में, है ना, तो ऑफलाइन दोनों होते रहेगा। और बाकी तो बच्चे अलग कॉलेज से हैं तो उनके लिए जो टाइमिंग रहेगी, अगर क्लैश करती है टाइमिंग, क्योंकि क्या है कॉलेजेस के टाइम अक्सर क्या होते हैं, 11 सवा 11 से शुरू हो जाएगा आपका 1:30 2 बजे तक लगातार। इस स्थिति में अगर कोई क्लैश होता है तो हम ऑनलाइन तो रखेंगे ही, अगर आपको लगता है कि आप घर में हैं, आप नहीं गए हैं तो अटेंड कीजिए, नहीं तो आप स्कूल में, फिर इसके वीडियोज मैं आपके ग्रुप में शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए।